तो चलिए आप लोगों को आज माँ बताएंगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बताइए माँ क्या बोल रहे हैं। हमको भी चाहिए। नहीं बहुत कीचड़ है, तू झुटमुट का सो रहा है। ऐ हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। और आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये आप लोग को कुछ देर के बाद पता चलेगा। तो देखिए पिंकी कितनी खुश है। आज मैं ऊपर। हमारे साथ माँ भी है, पति देव है, राजवीर राजवीर भी है। तो चलिए आप लोगों को आज माँ बताएंगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बताइए माँ। हम लोग जा रहे हैं तीज के साड़ी लाने। तीज का साड़ी लाने, इसीलिए पिंकी बोली थी आज मैं ऊपर। कि साड़ियाँ तो सभी औरतों की पसंद होती है ना माँ। और वो भी नई नई साड़ियाँ हम लोग लेने जा रहे हैं, तो हम लोग बहुत खुश है। तीज के लिए साड़ियाँ हम लोग पहले से ही ले लेते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर ब्लाउज सिलवाना होता है, फिर इससे मैच करते हुए ज्वेलरी लेना होता है, चूड़ियाँ लेनी होती है। तो अच्छा रहता है पहले से सारी तैयारियाँ हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर हम लोग को गुजिया वगैरह भी बनाना होता है तीज के लिए। तो ये सब काम निपटा के हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं। तो हमारी साड़ियों की शॉपिंग तो हो गई और अब हम जाएंगे गेरुआ खरीदने। हमारी जो बन्नी माता है ना, कुल भगवान है, कुल देवता है जो हमारे, उन पे चढ़ाने के लिए गेरुआ खरीदना है हम लोगों को। वहीं जा रहे हैं हम लोग अभी। राजवीर, इस दुकान से हम लोग गेरुआ खरीदेंगे। देखिए यहाँ पूजा के सारे सामान उपलब्ध हैं, सब कुछ यहाँ मिल जाता है। यहीं से हम लोग अपना गेरुआ भी लेंगे। और गेरुआ क्या होता है वो आप लोग देखिए। देखिए ये गेरुआ है जो हम लोग अपना जो पिंडी होता है ना पूजा का, उसके ऊपर टांगेंगे। ऐसे मेरे पूजा वाले ब्लॉग में आप लोग देखिएगा कि पिंडी के ऊपर किस तरह से मैं इसको टांगूंगी उस दिन। आज मंगलवार है तो आज ये सेक्टर का मार्केट भी लगता है, जिसको हम लोग शालीमार बाजार बोलते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग लेंगे बांस, और बांस की सब्जी हम लोग को बहुत अच्छी लगती है। यहाँ उसको सन्ना बोला जाता है रांची में। अभी हम लोग वही लेने जा रहे हैं। माँ, पिंकी, बउआ सब गाड़ी में है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी कीचड़ है। तो मैं पतिदेव के साथ जा रही हूँ, आती हूँ बांस लेके। क्या बोल रहे हैं? नहीं बहुत कीचड़ है, तू गिर जाओगे। नहीं नहीं नहीं, देखो मम्मी है, दादी है ना गाड़ी में साथ में। मैं अधिकतर यहाँ आती हूँ पतिदेव के साथ। ये मार्केट मंगलवार शुक्रवार को लगता है और यहाँ बहुत अच्छी अच्छी सब्जियाँ मिलती हैं, बहुत सारे सामान मिलते हैं। ये मार्केट घूमने में बहुत अच्छा लगता है। देखिए इस मार्केट में और क्या क्या मिलता है।
कैसे दे रहे हैं? 40 रुपए पाव इस बार पानी नहीं आया है इसके चलते इस बार एकदम महंगा हो गया। अच्छा, निकल नहीं पा रहा है ये सब। हम लोग तो हर साल आते हैं, ले जाते हैं बरसात में, बहुत अच्छा लगता है। मेरा सभी बहुत अच्छा खाते हैं मन से। हम लोग इसको ना झींगा होता है ना, झींगा उसमें मिला के बनाते हैं। किसी में भी बना के खाइए, मछली में बनाइए, अच्छा चाहे आप गोदी में बनाइए, सब में बना के खा सकते हैं। चलो भैया इसको रख लो, ये बैग में रख लो। एक ही लेडीज रखी हुई थी। हाँ। बोल रही सब बारिश उतना नहीं है ना, भी बंद कर दो ना। नहीं मिल रहा क्या बेटा? एक मिनट अभी उल्टा आ गया। हाँ गर्मी लग रहा था, गेट खोल के देखिए राजू बैठा हुआ है, गर्मी लग रहा होगा। गिर गया था बेटू। नहीं लगा है, लग गया है क्या? नहीं लगा। लग गया, लग गया। चलिए तो अभी हम लोग मार्केट में रुके हुए हैं एक जगह। ये मार्केट हमारे घर के नजदीक है और यहाँ हम लोग क्या खाएंगे? पुचका। हम लोग पहुंच चुके हैं घर और देखिए राजवीर को थक गया, थक गया बिट्टू, झुरमुट का सो रहा है। अभी हम लोग सभी खाना खाएंगे ना बिट्टू, उठो खाना खाओ। हाँ तो अभी हम लोग की लिस्ट बनवा रहे हैं, जो भी पूजा में सामान लगेगा, हमारे जो कुल देवता का पूजा होगा ना, माँ बताएंगी और पिंकी लिखेगी, फिर सारा सामान आज आ जाएगा और कल यानी शुक्रवार को हम लोग करेंगे अपने कुल देवता की पूजा। और इसका व्लॉग आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा नहीं माँ? हाँ। और इसी के साथ आज अपना व्लॉग मैं यही खत्म करती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे बहुत जल्द अपने कुल देवता के पूजा वाले व्लॉग में। बाय एंड टेक केयर, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।